योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 6 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। वाराणसी में कैंट थाने के विभाजन का प्रस्ताव, लालपुर पांडेपुर के नाम से नवीन थाने का काम, गृह विभाग को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव। बैठक में अपराधों का शमन, विचारणों में संशोधन का प्रस्ताव, वाराणसी में पर्यटक थाने की स्थापना का प्रस्ताव, निशुल्क भूमि भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, 28 विकास खंडों के सृजन को निरस्त करने का प्रस्ताव। इसके अलावा यूपी नेडा में परियोजना विकासकर्ताओं के चयन पर होगी चर्चा, साथ ही कोडेट टैरिफ के अनुसार चयन पर होगी चर्चा। 4 बजे 2014 बेंच के आईएएस के साथ बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी करेंगे बैठक। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम 6 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग करेंगे। शाम 7 बजे कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग होगी। वहीं 7:30 बजे औद्योगिक विकास की प्रस्तुतिकरण, 3 परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी। लखनऊ में यूपी सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का आदेश अदालत की फटकार के बाद इस आदेश को लेना पड़ा वापस। यूपी के एक बड़े नौकरशाह ने पूरी सरकार की भद पिटवा दी। इस पूरे मामले में मायावती और अखिलेश की सरकारें ऐसा पहले कर चुकी थी। तो वहीं यूपी में 8 जिलों के एसपी समेत 22 आईपीएस के तबादले, 9 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। अभिषेक प्रकाश बनाए गए लखनऊ के नए डीएम, कौशल राज शर्मा डीएस वाराणसी बनाए गए, योगेश कुमार शुक्ला ललितपुर के डीएम बनाए गए, तो वहीं सुभ्रात सक्सेना को रायबरेली का डीएम नियुक्त किया गया। सुशील कुमार पटेल मिर्जापुर के डीएम नियुक्त किए गए हैं। मानवेंद्र सिंह को फरुखाबाद का डीएम बनाया गया। नीतीश कुमार बरेली के डीएम के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी डीएम हमीरपुर के होंगे। प्रभाकर चौधरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर वाराणसी में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अंकित मित्तल चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक बनाए गए। तो यूपी में नए डीजीपी के लिए कवायद शुरू। डीजीपी ओपी सिंह 31 जनवरी 2020 को हो रहे हैं रिटायर। डीजीपी पद के लिए वरिष्ठ आईपीएस के नामों की चर्चा शुरू। 1985 बेंच के डीजी विलियंस हितेश चंद्र अवस्थी, 1986 बेंच के जवाहरलाल त्रिपाठी पर चर्चा, 1987 बेंच के आरपी सिंह के नामों पर चर्चा होगी। अलीगढ़ में डेंगू के डंक का कहर, अब तक 65 लोगों में डेंगू की पुष्टि। डेंगू और मलेरिया से जूझ रहे मरीज, साफ सफाई से वंचित है कई इलाके। स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल, जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। हापुड़ में ट्रक और ऑटो की भिड़ंत, हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 युवक गंभीर। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। तो वहीं कोतवाली क्षेत्र बरखरा रोड का मामला ये पूरा है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।